दोस्तों, ये फरीदाबाद का भाकरी गांव है। यहाँ पे देखा जाम लग गया है, टोल रोड है ये। ये देखें जाम लगा है, इधर लोग पानी में बैठे हैं। दिखाते हैं आपको, पानी भरा हुआ है यहाँ पे। हमारे रोड को जल्द बनाओ, हमारे रोड को जल्द बनाओ, लोगों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोगों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये टोल रोड है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, जिसके विरोध में बैठे हुए हैं लोग पानी में। रोड नहीं तो टोल नहीं, 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 रोड नहीं तो टोल नहीं। यहाँ पे भारी जाम लग गया है, ये देखें लंबा जाम लगा। अगर कोई आदमी भाकरी से और धमवा चुंगी तक केवल 1 किलोमीटर का रोड है, और उस 1 किलोमीटर का और कोई 10 मिनट में भी अगर पार करके मोटरसाइकिल से आ जाए, उसको 1 लाख रुपए इनाम है भाकरी गांव की। सतेंद्र जी, कब से समस्या है, कितने साल हो गया जी? ये पिछले 5-6 साल से समस्या है, और ये समस्या इतनी विकराल है, हर साल जब पानी भरता है डीसी को, एसडीएम को, एक्शन को, सबको जो है वो सारी चीजें हम ज्ञापन दे के जाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अभी भी हमने डीसी को क्यों नहीं होता है? 5-7 साल से आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं लगातार, जो है कई पार्टियां प्रदर्शन कर चुकी जो है, क्यों नहीं होता? क्योंकि विकास खो गया है। कौन है, मतलब गलती किसकी है जो ढूंढा जा रहा है? ये गलती तो देखो प्रशासन पकड़ेगा, ये पीडब्ल्यूडी की गलती है। पीडब्ल्यूडी कहता है टोल कंपनी की गलती है, टोल कंपनी कहती है पीडब्ल्यूडी की गलती है। अब इसमें जनता का क्या कसूर है ये बताइए? टोल ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, पैसे लेने के बावजूद भी लोगों की जेब कट रही है, उसके बाद भी इस तरह से जो है ना रोड मिल रहा है। अच्छा। कितने 3 मौतें हो चुकी हैं यहाँ पे, तीन मौतें हो चुकी हैं यहाँ पे। हम ये चाहते हैं कि एसडीओ और एक्शन, पीडब्ल्यूडी का जो भी, आंटी जी क्या बता रहे थे आप? हम ये बता रहे थे बीड़ी वाले कई बार आए बेचारे, वो क्या कर सके जो अगले वाले नहीं उठ रहे। अच्छा, अब देखो ये पानी में कैसे गाड़ी निकले, कैसे ड्यूटी पे जाए लोग बाग, और घरों में पानी आड़ा पड़ा है। अच्छा। नालियों का, बच्चे भी बाहर स्कूल जाते होंगे, कैसे जाते भी जाते हैं, इसी में जाते हैं, निकल के इसी जाते हैं, और क्या करें। राकेश जी, वाल्मीकि जी का मंदिर में आपका गांव है, क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत लंबा जाम लग गया है, देखें पानी भरा हुआ है पूरा, देखें इधर। आप यहाँ देखिए 2000 गाँव के लोग रहते, काफी भीड़ इकट्ठा है यहाँ पे, लोग बैठे भी हैं। ये भाकरी गांव है फरीदाबाद का, टोल रोड बताया जाता है, ये टोल रोड है यहाँ पे। ये लोकतंत्र का एक चेहरा है, लोकतंत्र में सरकारें, विपक्ष सब जनता बनाते हैं, लेकिन जनता खुद परेशान होकर सरकार का ध्यान आकर्षित करती है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। खुद परेशान है कि जो लोग खड़े हैं जाम में वो भी हम ही हैं। जबकि ऐसा समय आ गया है शायद हर किसी से टैक्स लिया जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, टोल रोड है, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जनता खुद परेशान होकर, ये जो लोग खड़े हैं जाम में वो भी हम ही हैं, और जो यहाँ बैठे हैं वो भी हम ही हैं, और हम इस परेशान होकर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं किसका, जिन लोगों को हमने चुना। इससे बड़े शर्म की बात क्या हो, और ये गाँव गोद लिया हुआ गाँव है। अच्छा, किसने गोद लिया था? विधायक मैडम के गोद लिया हुआ गांव है। एसआई जी गोद में से नीचे गिर गया, रो रहा है ये तो गोद में से नीचे छूट गया, और अब ये किल्ली टोल रोड की एक तरफ ढोल पीटा जा रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, एक तरफ 200 मीटर का रोड नहीं बना पा रहा है शहर के अंदर। हम म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर है, 200 मीटर का टोल रोड,
अधिकारियों से बात कहते हैं जो रिलायंस कंपनी के, वो ये कहते हैं कि हमारे ये टेंडर में नहीं है, मेंटेनेंस करना है लेकिन रोड उठाना टेंडर में नहीं है। अब 200 मीटर का रोड कौन उठाएगा? एमसीएफ उठाएगी, पीडब्ल्यूडी उठाएगा। अभी आप बता रहे थे कि आपको धमकी मिल रही है कि प्रदर्शन वगैरह में मत करो, कौन धमकी दे रहा है? ऐसा है जी, मेरे पास चौकी इंचार्ज का भी फोन आया है, एसएचओ साहब का भी फोन आया है, आपके पास परमिशन नहीं है क्या? हमें राइट नहीं है अपनी बातें रखने का? हमें हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी या इनके पास परमिशन है इस रोड को तोड़ने के लिए? जो इन्होंने रोड तोड़ रखा है इनके पास परमिशन है रोड तोड़ने की? हमने कोई रोड जाम नहीं किया हुआ, हम अपना केवल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तो वहाँ बैठे हैं जहाँ से गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं, निकल सकती हैं? नहीं, ये सारा यहाँ पे कोई बाइक वाला, इस इलाके में एक भी बाइक वाला ऐसा नहीं है जो यहाँ पे ना गिरा हो, जो यहाँ ढोक ना खाई हो, जिसका सिर ना फूटा हो। कई मौतें हुई है यहाँ पे। मनीषा किसी को परेशान करने की नहीं, मनीषा मैंने कहा जैसे कि लोग जो जाम में है वो भी हम ही है, जो बैठे हैं वो भी हमें, लेकिन हमें पानी में बैठना पड़ रहा है लोगों का, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ये शर्म की बात। सोना से लेकर और यहाँ तक जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है सबको शहर से जोड़ने के काम के, ये मेन रोड है हमारी। अच्छा, कोई एम्बुलेंस, कोई एक्सीडेंट हो गया है वो एक एक दो दो घंटे जाम में फंसा रहता है। लोग हमें गाली देते हैं फोन करके, और कैसा गांव है तुम्हारा, तुम अपने काम विकास नहीं करवा सकते? इन नेताओं को शर्म नहीं आ रही? आज 8 साल हो गया इसी पोजिशन में। आप तो खुद सत्ताधारी पार्टी से भी जुड़े हैं, जो आप जो पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, बीजेपी से जुड़े हैं। तो लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए कोई आज हमारी माताएं बहन रोड से पार नहीं कर सकती, हमारे स्कूल के बच्चे नहीं जा सकते, स्कूल के अगले गेट पे भी इतना ही पानी, पहले यहाँ से पूरे स्कूल डूब गया था, 3.5 फुट रूम के अंदर पानी था। मैंने अपने खर्चे से यहाँ दीवार लगवाई गेट में, उधर से गेट चालू किया तोड़ करके, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं ना हम निकल पा रहे हैं। तो सरकार से है ना जी, हमारी पार्टी विशेष के ना होके दुकानें बनी हुई सरकार से है, जिसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। ये तो टोल कर टोल से कराए या नगर निगम से कराए, जिम्मेदारी के अंदर ही टोल भी है जो है, ये टोल रोड ही है, बल्लभगढ़ से सोना रोड। असल में व्यवस्था तो लोगों की है, अगर सरकार भी तो लोगों की है। सरकार किसने बनाई है? लोगों ने बनाई है, और उसी सरकार को जिसने लोगों ने जिसको बनाया है अपनी आवाज पहुंचाने के लिए पानी में बैठना पड़ रहा है। ये समस्या एक और है पुष्पेंद्र भाई, रोड पे पानी की निकासी नहीं है, कहीं ऐसा होता हुआ आपने देखा है कि नाली ऊंची होती है जहाँ भी पानी निकलने की जगह होती है और नालियाँ नीची होती है? ये हमारे यहाँ नालियाँ ऊंची है, रोड नीचे है। अच्छा। आप बल्लभगढ़ से आइए, निकल नहीं सकते, 2-2 घंटे लग जाएंगे। मैंने बीच में भी पहले भी जब आपने एक इंटरव्यू करा तो उसमें भी एक बात कही थी कि चंडीगढ़ जाने में 2.5 घंटे लगते हैं पर फरीदाबाद को पार करने में 5 घंटे लगे। आप ये खुद देखो, हमारे इस लेवल से 2 फुट ऊंची है नाली, ये पानी कोई मेंढक है जो निकल के कूद के उसमें चला जाएगा? चलो, अब स्थानीय पुलिस यहाँ पहुँच रही है, स्कूल की टीचर जो है यहाँ शहर से जो जाती है बेचारी इसी में गिर जाती है, पढ़ाने नहीं जा रही, आगे स्कूलों में टीचर नहीं पहुँच पा रही, सुबह से शाम तक भी आया जाता है, आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर पुलिस पहुँच गई है स्थानीय, ये देखें, देखें क्या कहते हैं। यहाँ पर बहुत लंबा जाम लग गया है, पूरी करो, रोड नहीं तो टोल नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रोड नहीं तो टोल नहीं, भटकल पाली रोड बनवाया जाए, रोड नहीं तो टोल नहीं, बल्लभगढ़ पाली रोड भी बनवाया जाए। नहीं ऐसा है भाई, ये जो ट्रैफिक सरकार चला है अपने रोड, चलाओ अपने रोड, हमको भेज दें।
जबरदस्त पानी। इन्हें चलवा दो ना, आप रोक क्यों रखी है आप? कहाँ आया है देखते हैं क्या बात है। आ जाओ इधर, आ जाओ भाई। ओ भाई ओ छोरे, सतंदर ने करया सही काम तो। क्या करे मजबूरी है, आ जाओ इधर, आ जाओ, बताओ क्या बात है। मैंने बताओ तुम पहले, पहली बात तो ये है कि उनको मैंने कह दिया है और वो पानी निकालने का आ भी रहे हैं, और ये वो एक दो दिन में वो गए, वो दिक्कत ये आ रही है। वो ये कह रहे हैं जी पानी में कैसे बना, मैं भाई वो 50 मीटर बना दो लेंटर का। वो बोले जी हम बना देंगे, हमने 2-4 दिन का बरसात का बड़ा हो रहा है सारा, ये पानी कैसे रोक दो तुम यहाँ, हम इसको बनवाना शुरू कर दें। साहब एक छोटी सी बात है, छोटी सी 4 साल हो गए जी। हाँ लिखित में दिलवा दीजिए, वो आ जाए लिखित में दिलवा दीजिए, लिखित में दिलवा दीजिए। ये कोई मनसा पे रोड किसी को परेशान करने की नहीं है, रोड चालू करवा देंगे, रोड चालू करवा, रोड चालू करवा, रोड चालू करवा, रोड चालू करवा। जो मांग है ना, एक मिनट, आपकी जो मांग है उनको बुलवा के आपको लिखवा के दे देते हैं और काम शुरू हो जाएगा। उनने मेरे से आश्वासन कराया है, सुनो जी, मेरी बात सुनो। ये जो 50 मीटर का रोड है ना, जिस पर पानी भर रहा है, उनको मैंने कह दिया, उन्होंने रात भी कह दिया, बोला सर पानी बरस रहा है, बरसते पानी में लेंटर नहीं डल सकता, लेंटर की जरूरत नहीं है, तो वैसे नहीं रुक सकता लेंटर से। आप समझो पहले, पहले तो आप एक मिनट सुनो, कोई रोड रोकने की मंशा नहीं है, पब्लिक को इसमें बैठने का कोई शौक नहीं, समझिए पहले। नहीं देखो, नहीं हम बैठे हैं इसमें, लेकिन रोड नहीं रोक रहे, पहले समझो आप। हम सिंबॉलिकली ये कह रहे हैं कि रोड की हालत ये है, आप मुझे ये बताओ इस पे करवाना क्या है? इस पे लगाते हैं वो सीमेंटेड स्लैब, तो सीमेंटेड स्लैब लेकिन वो सीमेंटेड स्लैब तो बन के आई है, बन के कैसे आती है, रेडीमेड आती है, सब सोता नीचे बिछाते हैं और क्या, वो जो गट्टी है कितना ऊंचा हो जाएगा, कितना कितना ऊंचा कर लो, इसको जीएसबी, अगर जीएसबी डीएसपी डिलीवरी डाल के लेकिन उन्हें बुलवा लो। देखो बात ये है, कायदे की बात ये है कि वो क्या देते हैं, मैं कह रहा हूँ जनता खुद धान आकर्षित कर रही है सरकार का, किस लिए खुद परेशान होकर जाम में कौन खड़े, जनता यहाँ कौन बैठी है, जनता मेरी बात हुई है, एक मिनट, प्रशासन से हैं 24 घंटे, हम प्रशासन में कह, हम भाई हैं, हम तो भाई है, जबीत कह रहे हैं प्रशासन तो घर है, जबीत कह रहे हैं सारा सिस्टम लोगों का है, नगर निगम की बात कर, परेशान भी जनता है, नेता भी जनता है, नगर निगम प्रशासन की बात कर रहे हैं, काम जो कह रहे हैं इतना बंद करवा दे या टूल लेना, ये कहा काम की बात, ना 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 ना, पीडब्ल्यूडी का टूल है, आप टोल वाले ने बुलवा लो जनाब, बुला लो, लगवा लो आप मेहरबानी करके, हम भी यही आप भी यही, टोल वाले आ जाएंगे बात हो जाएगी, मैं अभी करवा देता हूँ, करवा देता हूँ। हम ये जो तुम्हारी ये है ना आरसी वाली, जो तुमने अब बताई है, ये सब बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत को नहीं। देखो जी, ऐसा रोड बनाओगे आप, देखें दोस्तों बहुत तगड़ा जाम लगा है यहाँ पे, पानी भरा है। अभी डबुआ थाने के सुरेंद्र सिंह आए हुए हैं, यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, जुड़े रहें फरीदाबाद न्यूज़ से, आगे की अपडेट आपको दी जाएगी जल्दी।